आपके अपने YouTube चैनल नागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता कि त्रैमासिक परीक्षा नजदीक है, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, तो आज इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपटित बोध पत्र लेखन निबंध लेखन के क्या महत्वपूर्ण प्रश्नों की कवर करेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको क्या है काव्य बोध गद्य काव्य बोध गद्यखंड काव्यखंड वितान अव्यक्ति माध्यम भाषा बोध काव्य बोध इन सभी के क्या है मैंने इन सभी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो उनकी वीडियो जाकर आप चाहे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों लास्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको आपटित बोध पत्र लेखन निबंध लेखन बताऊंगा। ओके चलिए देख लेते पहले आपटित बोध। ओके इसका मतलब होता है कि कोई भी आपको क्या है कोई भी दोस्तों आपको गद्यांश दे दिया जाता है। ओके दोस्तों तो उसको क्या है आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो उसी में आपको छांट कर लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दो प्रकार के आता है। ओके दोस्तों एक आपटित गद्यांश आता है, एक आपटित काव्यांश आता है। तो अथवा में रहता है तो कोई भी आपको क्या है एक करना पड़ता है। मैं अभी दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कोई भी ये क्या है आपटित गद्यांश दिया है तो उसके लास्ट में क्या है क्वेश्चन बताए गए हैं। ओके दोस्तों तो इनके क्या है आपको छांट कर आंसर देना पड़ता है। शीर्षक पूछा जाए तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके तो ये आपको आता है। तो देखिए मैंने एक दिया है तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके तो ये आपके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसे क्या है आपको सॉल्व करना है। ओके अपने से सॉल्व कर लीजिएगा ये वाला। तो कोई भी आ सकता है, मैंने ये नहीं कर रहा हूँ कि यही आएगा, कोई भी इसी प्रकार आ सकता है, लेकिन कोई भी आपको आएगा तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है आप अपने से कर सकते हैं, बस आपको क्या है कम से कम 5 से 6 टो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आपको इसी के अथवा में आप गद्यांश दे दिया, कोई भी आपको काव्यांश दे दिया जाएगा। ओके इसके अथवा में उसमें भी आपको क्या है काव्यांश से रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके तो ये रहेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है पत्र लेखन जो 4 अंकीय रहने वाला होगा। दोस्तों जो आपके आपटित गद्यांश होते हैं ये 3 अंकीय होता है और जो पत्र लेखन होता है ये आपका 4 नंबर होता है। अब दोस्तों पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक आते हैं, वो भी क्या है अथवा में रहते हैं। औपचारिक वाला कीजिए और अनौपचारिक वाले मैंने अभी क्या है टोटल आपको मैं इंपॉर्टेंट 5 बता रहा हूँ। ओके तो इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो पहला आपको दोस्तों अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। ओके दोस्तों दूसरा है अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देने हुए पत्र लिखना है। ओके तीसरा इम्पोर्टेंट है आपका अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखना है। चौथा है आपका आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने का शिकायत पत्र आपको लिखना है। पांचवा आपका लास्ट इम्पोर्टेंट है नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके अब नेक्स्ट अपन बात करने वाला है लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है निबंध लेखन जो आपका 4 नंबर का पेपर में रहने वाला कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है कौन सा कोरोना पर। ओके दोस्तों कोरोना से बचाव एवं सावधानी ये वाला आपको जरूर तैयार कर लिया, मतलब कोरोना से रिलेटेड आपको तैयार कर लेना है। ओके एक प्रदूषण से रिलेटेड आपको तैयार कर लेना है। ओके नेक्स्ट है आपका नारी का समाज में स्थान ये भी आप तैयार कर सकते हैं। और एक है आपका दोस्तों इसमें लिखा नहीं है भ्रष्टाचार की समस्या, इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। इसका मैंने अभी क्या है एक लिखा था अपने से बनाकर तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या वाला मैंने निबंध आपको शेयर करूँ तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको क्या टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके तो ये आपके इंपॉर्टेंट निबंध रहने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कौन कौन से आपके टॉपिक पूछे जाएंगे हिंदी में और कौन कौन से महत्वपूर्ण है सभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही नागासाटी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह ज्वाइन हुए जिससे नागासाटी क्लासेस आपकी यह त्रैमासिक परीक्षा में पूरी सहायता कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।